मॉर्निंग 10 से बेटा अश्वड़ा टेस्ट भी है, दो कवितावां एक श्री गुरु नानक देव जी दी और दूसरी श्री गुरु अमरदास जी दी और समाप्ति शब्द, ठीक है। 2 बजे थानू टेस्ट है, थानू पता ही है आएगा और सबने देना है 10 से। काफी बच्चे पिछले टेस्ट विचों दी 15 बच्चे एब्सेंट थी, तो टेस्ट हर एक बच्चा दो, ठीक है। टेस्ट प्रिपेयर करोगे, लिंक बेटा 30 मिनट्स का होंगे, वो भी 10 मिनट तुसी एमसीक्यूज करने होंगे, ठीक है। 100-240 ते लिंक बंद, ओके। नहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलने, 30 मिनट का है, वैसे भी थोनू 10 मिनट एक्स्ट्रा ही मिलते ने। हां जी, सो पहला आपा करना है श्री गुरु नानक देव जी, हां जी राइट। सो यह थानू पहले क्या है कि इन्हां नू आपां कवि नहीं कहना, असीं की कहना है रचनहार, ठीक है। रचनहार ते रचना केदे विचों ले गई है, काव केड़ा पहला काव दसो केड़ा, नो काव, हां जी गुड, गुरमत काव दे विचों दी, ठीक है। पहला काव जो थानू पूछा जावे काव ते तुसी हमेशा कहना है गुरमत काव, बाणी आसा दीवार, ठीक है। तो पहला आप एक बारी पोइम रिवाइज कर लिए, राइट, इजी है। अगर सार अगर थानू आंदा तुसी बोल सकते हो, मेहुल ऑनलाइन स्टूडेंट सार आंदा किसे नो, नो सार बोलोगे, बोलो तो सही, ठीक है, गुड। हां जी जसलीन ने उन्हें हैंड रेस किया, जसलीन हां जी ऑनलाइन स्टूडेंट, यस जसलीन मैम, एक काव रचना गुरु नानक देव जी द्वारा आसाई दीवार लिखी गई सी, आसाई दीवार विच लिखी गई सी, तो उस विच लई गई है। इस विच गुरु नानक देव जी ने सारे लोगों ने संदेश दिता है कि स्त्री नू हर कोई दुरकारदा है, पर स्त्री ही है जिस करके लोग इस दुनिया ते आंदे हन, इस करके स्त्री नू दुरकारना नहीं चाहिदा। जिस तरह सी रब दी भगती करदे आ, उस तरह सानू स्त्री दी भी भगती करनी चाहिदी है, क्योंकि जिस तरह रब
सबद सृजनहारा है, इसत्री ने ही सिरजा है राजा तो लैके गरीब तक हर किसे नू, इसत्री द्वारा इसी द्वारा ही सिरजा गया। स्त्री दी दुर्कार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके गुड। हाँ जी ठीक है। सो क्यों मंदा आखिए श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। सो ये विच देखो थानू टफ वर्ड्स भी आ सकते ने, पूछे जा सकते ने। पहला आप करांगे श्री गुरु नानक देव जी बारे, ठीक है, क्योंकि राइटर बारे भी आप करना ही करना है, बाकी बाद विच आप इस काव्य रचना ते आवांगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ए बच्चे तुसी लिखना है, असाइनमेंट है थोड़ी, क्योंकि तुसी पहला नहीं लिखा होया। ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी दे बारे विच आपा लिखना है जड़ी कविता जड़ी काव रचना है एदे बारे तुसी लिख चुके हो, बस आपा ओदे विच थोड़ी टफ वर्ड्स जड़े ने वो आपा पिक करने ने। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन लिखो असाइनमेंट। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? ऑप्शंस आ सकती हैं ने 1469, 79, 59, 39। ठीक है, तो पहला लिखना है जन्म 1469, 1469। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ओके। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? 1469। सेकेंड 15 नहीं, वैसे 14 अप्रैल या 15 अप्रैल डेट नहीं हैगी, नहीं जरूरी नहीं हैगा, अच्छी गल है तुसी नोटिस कर दे हो कुछ, नहीं अच्छी गल है। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, एदा मतलब अमृत बहुत ध्यान दे नाल बड़ी डेडिकेशन दे नाल पढ़ रहा है, सो वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किथे होया? पहला कदों, फिर किथे, किथे होया? हाँ, राय कोई दी तलवंडी विखे, जो कि आजकल पाकिस्तान विच है। ऑप्शंस पूछिया जा सकदिया ने, बट थानू अगर सही आंसर आंदा है तो तुसी लिख सकते हो राय पोई दी तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता का नाम की है? हाँ जी, तृप्ता देवी। पिता जी पहला माता जी देख लो तृप्ता देवी, ते पिता जी मेहता कालू, मेहता कालू। नाल ही लिख लो माता पिता ते भैन का नाम लिख लो नाल ही, बेबे नानकी। सुलखना देवी, ठीक है, बेबे नानकी दे नाम तो ही इन्हों का नाम पिया सीगा नानक, ओके, बाद में श्री गुरु नानक देव जी। अगे नाम लिख लो सारिया दे, पत्नी दा, पुत्र किन्ने सन इन्हों दे? दो। पत्नी सुलखनी देवी, देवी नहीं है कल्ला सुलखनी लिख लो। हाँ जी, पूछा जा सकता है थानू, ठीक है, दो पुत्र इन्हां दे बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी चंद जी, श्री चंद जी लक्ष्मी चंद जी।
ठीक है, ये लिख लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आ सकता है कि जेडे इना दे पत्नी सन माता सुलखनी जी, वो कितों दे रहन वाले सन, लिख लो नाल ही। माता सुलखनी जी कितों दे रहन वाले सन, माता सुलखनी जी कितों दे रहन वाले सन। आंसर इज बटाला दे, बटाला। उदो गुरु नानक देव जी की उम्र 19 साल सी जदों इन्हों का विआह होया सी। एएसए भी तुसी कीता होया, फोर्थ फिफ्थ विच अगर तुहानू याद होवे कीता होया, तुसी सेवंथ विच कीता होया। ओके, ठीक है, हां जी। नेक्स्ट, गुरु जी ने किथे काम किता। हाँ, केदा सिगा हो, नवाब दौलत खान दे मोदी खाने विच काम किता सी। हाँ, ओ ते अगो इन्हां दे साखियां बहुत सारियां जुड़ियां होईयां हैं। गुरु नानक देव जी ने किथे काम किता, नवाब दौलत खान लोधी दे मोदी खाने विच। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਕੋਲ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਦ? ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਪਾਂਧੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਂਧੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਉਦਾਸੀਆਂ 4। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ
रहे सन, ये नहीं पूछा जाएगा भाई मरदाना जी, पर थोनू पता होना चाहिए है। ठीक है, चार उदासियां कीतियां, हर एक को दिशा वाल गए, हर एक पासे उन्होंने परमात्मा दे संदेश नू अगे किता। इन्होंने एक संदेश दिता सी, केड़ा सी? नाम जपो, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। ठीक है, उस तो बाद विच इना ने बाकी जिहड़ा जदों इन्हां ने यात्रावां कर लईआं, इन्हां दा जिहड़ा बाकी जीवन सी उन्हां ने किथे बिताया? करतारपुर विखे। क्वेश्चन लिख लो, श्री गुरु नानक देव जी ने अपना बाकी दा जीवन किथे बिताया? करतारपुर विखे, जो कि पहला पाकिस्तान विच सीगा। ठीक है, श्री गुरु नानक पहला वंड तो पहला श्री गुरु नानक देव जी ने, मतलब पहला सारा पंजाब ही सीगा, हुन वंड तो बाद विच 1947 तो बाद फिर दो पंजाब बन गए ना, लहिंदा पंजाब ते इधरला पंजाब, उधरले पंजाब नू लहिंदा पंजाब बोलते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना बाकी सारा जीवन किथे बिताया? करतारपुर विखे। अगे लिखो जी, इन्होंने गद्दी किसनू सौंपी? भाई लैणा जी, जो के सिखां दे दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी। तुहानू हुण रिकॉल हो रहा ना सारा? श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी। हाँ, अगला क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी किसनू सौंपी? गद्दी नहीं लिखना, आपा लिखना है गुरगद्दी। भाई लैणा जी नू। ठीक है, यहां पूछा जा सकता है भाई लैणा जी का दूसरा नाम श्री गुरु अंगद देव जी, और श्री दे विच तुसी पैर च बिंदी नहीं पाते, वो हट गई हुई है। नहीं, एमसीक्यू से दिखती जा सकती है। ओके, कोई गल नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु जी ज्योति जोत कदों समाए? हां जी, गुरु जी ज्योति जोत कदों समाए? 1539, 22 सितंबर 1539। हो गया। नेक्स्ट, कुल रचनावां गुरु नानक देव जी दिया, कुल रचनावां किनिया सन? नाइन सेवन फोर कुल रचनावां, जेदे विचों दी जेड़ा जपजी साहब। ठीक है, अगे लिख लो रचनावां दे नाम। नहीं, नाम लिखो पहला, जपजी साहेब पौधे नीचे औंकड़ पा लियो, आसा दी वार तो क्यों मंदा आखिए, एदे विच चुले आ गया शब्द। ठीक है, आसा दी वार, 12 माह लिख लोगे, सिद्ध गोष्ठ आदि,
सिद्ध गोष्ठ बारह माह विच ना इन्होंने बारह महीने से जेड़े उन्हां दा जिक्र किया है। हाँ जी नहीं आदि ठीक है सिद्ध गोष्ट जेड़ी सी ओ सिद्धां दे नाल जेड़े सिद्ध पीर सीगे ना उन्हां दे नाल गोष्ट मतलब वार्तालाप उन्हां दे नाल वार्तालाप गुरु नानक देव जी ने की थी ठीक है मतलब उन्हां दे नाल उन्हां दस्सिया कि किस तरह करके परमात्मा का नाम जपना चाहिए है कि उपदेश दिता गया है बारह माह विच बारह महीनिया की गल की गई है हरेक महीने तुसी प्रभु का सिमरन करो ठीक है आसा दी वार विचों दी शब्द जपजी साहब तुहानू पता ही है काफी बच्चे करते भी है ठीक है। हाँ जी मूल मंत्र तो बोल दी हो हाँ बेटा मैं नाल नाल आंसर लिखवा रही हूँ आंसर लिखे जा रहे ने नाल नाल तुसी आंसर नहीं लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु जी ने परमात्मा दी किस होंद नू स्वीकार किया है। गुरु जी ने परमात्मा दी किस होंद नू स्वीकार किया है। एनी आइडिया साकार निराकार निराकार गुड वो कहते सन कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते होंगे सन गुरु नानक देव जी ठीक है। सो हाँ जी वो बनाई उन्होंने थोड़ी क्या है हाँ ठीक है निराकार परमात्मा की होंद नू स्वीकार करते सन ये गुरु जी ने किस चीज का विरोध किया मूर्ति पूजा का एक आही थोड़ी जड़ी थोड़ी पोएम चलनी है इस्त्रियां नू निंदन हाँ गुरु जी ने किस गल का विरोध किया हाँ किस चीज का एक उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया सी एक उन्होंने कहा कि और हाँ जी हाँ स्त्री नू निंदना नहीं चाहिए ओदा विरोध किया उन्होंने समाजिक कुरीतियां लिख सकते हो इन्हां दे टाइम ते बाबर आया सी ना ते बाबर ने बहुत सारे जुलम किते सीगे वो बाबर बाणी भी है ओदे विच सारे दिता होया ना कि अगे लिखो श्री गुरु नानक देव जी दे श्री गुरु नानक देव जी दी रचनावां दी भाषा विच किस लई प्रेरिया गया है श्री गुरु नानक देव जी दी रचनावां विच किस गल नू प्रेरिया गया है इस तरह लिखो। हाँ जी गुड प्रभु प्रेम या परमात्मा दा प्रेम या परमात्मा नाल मेल श्री गुरु नानक देव जी दियां रचनावां विच नेक्स्ट की थी किस गल नू प्रेरिया गया है प्रभु प्रेम लई या परमात्मा दे प्रेम लई या परमात्मा दी भक्ति लई अगे लास्ट क्वेश्चन नहीं जी हले आप सिर्फ गुरु जी बारे किता गुरु नानक देव जी दी बाणी विच केड़ी केड़ी भाषा वरती गई है। हां हां
अरबी फारसी, अरबी फारसी संस्कृत भाषावां, अरबी फारसी संस्कृत, हाँ जी अरबी फारसी ते संस्कृत भाषावां। शब्द अर्थ भी होंगे राइट, ए कहा की गया बस इना सुन लो क्वेश्चन आप रिटन काम करांगे ठीक है। तो यह जिहड़ी काव्य रचना है सो क्यों मंदा आखिए ए लिती गई है गुरमत काव्य दे विचों दी ठीक है। बाणी है आस्था दी वार, एक आल आप एक बार क्वेश्चन कर लवेंगे वैसे तुसी किते हुए ने पहला ठीक है। तो इस विच गुरु जी ने की किया है इस्त्री नो सम्मान देना चाहिदा है, इस्त्री करके ही सारा जग चलता है, हाँ जी पांड के नू क्या गया इस्त्री नू ठीक है। उन्होंने कहा कि पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगन व्या तुसी इस्त्री ही तानू इस दुनिया विच लेके आंदी है, इस्त्री ही थोड़ा पालन पोषण करती है, इस्त्री दे नाल ही जो मनुख वड्डा हुंदा उदो व्याह हुंदा है उदा ठीक है। पंडे होवे दोस्ती पंडे चले रहा, मतलब तुसी इस्त्री दे नाल दोस्ती करते हो, दोस्ती मतलब अगर तुसी अपना गृहस्थी जीवन अगे चलाना है ता ठीक है। फिर की हुंदा है इस्त्री दे नाल ही गृहस्थी जीवन अगे चलदा, सारी तुहाडा संसारक राह है जिन्ना भी गृहस्थी दा पंध है वह सारा इस्त्री दे नाल ही अगे चलदा है। ते जे मान लो कि एक इस्त्री मर जांदी ता आदमी की करदा है, वह इस्त्री तो बिना नहीं रह सकदा क्योंकि इस्त्री तो बिना घर नहीं चलते, दूसरा ब्याह कर लैंदा ठीक है ना। जिन्ने भी रिश्ते होंगे ने साख संबंधी होंगे ने सारे इस्त्री दे नाल ही होंगे ने, कहंदे ने ना एक इस्त्री घर वसांदी है दो घर वसांदी है ठीक है। ते ओ कहंदे कि इसलिए इस्त्री नू सानू कदी भी माड़ा नहीं कहना चाहिदा, क्यों एक अपना एक सौरा घर एक पेकियां दा क्यों नहीं संभाल दिता है। बाकी बेटा आपां कल करांगे